मैंने शेखवानी वर्जी बसमानी रहीम मेरे प्यारे बहनों भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक हमेशा आपको सलामत रखे और अल्लाह पाक आपको बहुत सारा रिस्क और अपनी रहमत अपनी नेमतों से नवाजे। इसी के साथ आज की सबसे प्यारी हदीस के साथ आपके साथ हाजिर हूँ और उसके बाद एक प्यारा सा वजीफा आपको बताऊंगी, रिस्क हलाल हासिल करने का। जो लोग रिस्क से परेशान हैं, दौलत से परेशान हैं, घर में परेशानियां हैं, एक बात याद रखें हमेशा कि जब भी अजान होती है, जब भी अजान होती है तो आप लोग अजान के वक्त बातें ना किया करें। यकीन माने जो लोग अजान के वक्त बातें करते हैं अल्लाह पाक उनका रिस्क दुनिया से उठा लेते हैं और उनको लाचार कर देते हैं। बहुत से लोग हैं अजान हो रही होती है चुप करके आवाज से मतलब कि जवाब नहीं देते अजान का, लेकिन खामोशी भी इख्तियार नहीं करते। तो आपसे ये गुजारिश है कि अजान के वक्त चुप रहा करें, एक छोटा सा ये काम किया करें, यकीन माने अल्लाह पाक इतना रिस्क आपको बढ़ाएंगे। और जो शख्स अजान का जवाब देता है तो उसके लिए तो मैं कहती हूँ दुनिया में जितनी भी नेकियां हों कम पड़ जाए, इतनी नेकियां उसके अमाल में लिखी जाती हैं। और दूसरा कि चुप रहने का ये है कि अल्लाह पाक उसके ऊपर रहमत बरकत और नेमत, नेमत भी दौलत है, रहमत भी दौलत है, रिज्क है, इन सबको समझने की बस देर है। तो आप ये तरीका जरूर इख्तियार किया करें। फिर अगर यकीन माने जो अजान के वक्त लोग चुप नहीं रहते कि जब वो मरते हैं उनको कलमा कभी नसीब नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह कभी भी उनके जुबान से नहीं निकलता। जो लोग क्यामत वाले दिन जब उठाए जाएंगे यकीन माने जिन्होंने कलमा पढ़ा होगा तो क्यामत के दिन भी वो कलमा पढ़ते हुए ही उठेंगे। इसके बाद अजान की जब आप अजान होती है आप जब उसकी आवाज सुनो तो खामोश हो जाओ, जवाब देना है तो बेहतर है। उसके बाद सिर्फ दुरूद इब्राहिमी अगर आप 3 से 11 मरतबा पढ़ते हो यकीन माने जिस जगह भी हो, अगर बहने घर में हैं, माएं हैं, बेटियां हैं, पढ़ें तो कभी भी उनके घर में घर के अंदर का जो रिस्क है कभी कम नहीं होता। हर वक्त यकीन माने उनका घर रहमत और बरकत से बुलंद रहता है। और अपने घर में अगर फूंक मार दें, दम कर दें तो कभी भी रिस्क की कमी नहीं होती। ये एक छोटा सा ये आज तक कभी अमल किसी ने आपको नहीं बताया होगा। और जो भाई लोग हैं कहीं पर भी हैं, दुकान पर हैं, नौकरियों पर हैं, कहीं पर अपने ऊपर फूंक मारे दुरूद शरीफ पढ़ के, या फिर अपने आसपास जहां आपका खाना वगैरह है या कोई कोई भी आपकी शॉप है कि कपड़े की है किसी भी किस्म की फूंक मार दें, यकीन माने इतनी दुनिया आएगी वहां पर कि कभी उस जगह से दुनिया खत्म नहीं होगी। गैब से आपको रिस्क मिलेगा। एक छोटा सा अमल करके देखिए, यकीन माने कि अगर यकीन कामिल के साथ करेंगे तो बहुत बुलंद होंगे। इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।